हेलो फ्रेंड्स, आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देसी पराठा, जो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। और जैसा कि सबको पता है, आजकल के डॉक्टर्स भी हमें देसी खाने को कहते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 100 ग्राम देसी ली हूँ, जिसको कि मीडियम फ्लेम पे हमें रोस्ट करना है। और जब ये ज़्यादा फूटने लगे तो इसको आप ढक दें और ढक कर इसको रोस्ट कर लें। तीसी में लिग्निन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कैंसर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल को, के जो रिस्क हमारा होता है उसको बहुत ही कम कर देता है। ये तैयार हो गया है और अब हम एक डो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा ली हूँ। इसमें आधी चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा तेल और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार मिलाएं और इसको सॉफ्ट डो तैयार कर लें। अभी जो हमारा तीसी है वो ठंडा हो गया है, इसको आप सिर्फ 30 सेकंड के लिए चला के चेक कर लें। इसे हमें पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, दरदरा ही इसको हमें पीसना है। फ्रेंड्स, अलसी में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे ब्लड को जमने से रोकता है और जिससे हार्ट अटैक की जो संभावना है वो कम हो जाती है। यहाँ पे मैं 2 तीखी मिर्ची, ग्रीन मीडियम साइज प्याज और 1 नींबू ली हूँ। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो और आप हरी मिर्च बढ़ा सकते हो। यहाँ पे काला नमक मैं डालती हूँ और इसके साथ ही हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आपके पास जो भी अचार है आप उसका जो ऑयल है आप डाल दें, लेकिन उसमें नींबू आप कम डालें, क्योंकि वो जो तेल है वो ऑलरेडी पहले से ही खट्टा होता है। डो को एक बार फिर से आप मिला लें और एक लोई लेकर उसको पेड़ा बनाएं और गोल बनाते हुए उसको घुमाते हुए उसमें जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वो मिक्सचर को फिल कर देंगे। हल्के हाथों से इसे मोड़ लें। थोड़ा सा आटा लगा के इसको हम रोटी के जैसे बेलेंगे। इसे बेलने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये चिपकता नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। कोशिश करें आप कि इसे पतला ही बेलें। जैसा कि पता है कि तीसी जो है हमारी वजन को भी कम करता है, हमारी स्किन का जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करता है, हमारी स्किन को चमकदार बनाता है। सेकते समय आप फ्लेम जो है मीडियम रखें और इसको थोड़ा दबाते हुए सेकें, जिससे कि वो क्रिस्पी बनेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट भी लिखें कि आपको कैसा लगता है। ऐसे ही आप बनाएं, खुद खाएं, दूसरों को भी खिलाएं और मज़ा उठाएं। अभी देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे अंदर से दिखता है। देखिए, क्रिस्पी के साथ ही अंदर से कुछ ब्राउन ब्राउन दिखता है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं, गर्मा गर्म इसे सर्व करें। और इसे दही के साथ आप खाएं। थैंक यू।